उधमपुर कठुआ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने रामबन में वर्कर्स मीटिंग में शिरकत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार असुलवानी समेत कई दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। लीडरान ने वर्करों को गांव देहात में जाकर कांग्रेस पार्टी के मशवरे को और उसके मंशूर को हर घर तक पहुंचाने की अपील की है। विकार असुल ने डीपीएपी उम्मीदवार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस को बीजेपी और उनके हिमायती उम्मीदवार से मुकाबला है। चौधरी लाल सिंह ने आवाम को एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का साथ देने की अपील की है ताकि जम्मू कश्मीर के विकार को दोबारा बहाल किया जा सके। विकार असुलवानी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जवाब देते हुए कहा कि जिला रामबन की तरक्की सिर्फ कांग्रेस की वजह से मुमकिन हुई है। लाल सिंह ने कहा कि इस बार वो इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। जब हमारी सरकार थी तब थ्रू हुआ था, बनाल का टनल जब हमारी सरकार थी तब बना था, रेलवे जो है हमारे टाइम में मनमोहन सिंह बनाल आया, इनॉग्रेशन भी किया और आगे का फाउंडेशन भी डाला, और ये जो हाईवे है ये कांग्रेस की देन है। उसने डॉक्टर जितेंद्र ने 10 साल न लोगों में नजर मारी, न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया, न उसने किसी का काम किया। अब उसकी हालत फंसता है, फ्रस्ट्रेशन में ये बातें बोलता है। दिस गेम इज नाउ ओवर, वो हार चुका है। वो चौधरी लाल सिंह और कांग्रेस उसको उखाड़ के फेंक देंगे। बड़ी अच्छे तरीके से हम इस इलेक्शन में जीत हासिल करेंगे, अब चिंता मत करो।